आप सभी विद्यार्थियों का मेरा नमस्कार। कॉमर्स के इस यूट्यूब चैनल पर आज हम बीकॉम सेकंड ईयर के पेपर फर्स्ट ईएफएम में मुद्रा के कार्य फंक्शंस ऑफ मनी के बारे में अध्ययन करेंगे। मुद्रा के जो कार्य है, प्रथम रूप से इसको दो भागों में व्यक्त किया गया है। मुद्रा के स्थैतिक कार्य और मुद्रा के प्रायोगिक कार्य। मुद्रा के सॉरी ये मूल्य की जगह क्या है, मुद्रा मुद्रा के प्रायोगिक कार्य। तो हम इनको दो हम बांटा है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मुद्रा के स्थैतिक कार्य। सबसे पहले तो मुद्रा की आवश्यकता क्यों हुई? क्योंकि मुद्रा की आवश्यकता इसलिए हुई कि पहले वस्तु विनिमय जो प्रणाली थी उसमें जो कठिनाइयाँ आ रही थी, उन कठिनाइयों का समाधान ढूंढने के लिए एक मुद्रा का आविष्कार हुआ था। तो सबसे पहले मुद्रा के कार्य है, उसमें मुद्रा के स्थैतिक कार्य है। ये मुद्रा के जो स्थैतिक कार्य है ये कैसे परंपरागत कार्य है, ये कैसे परंपरागत कार्य है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे मुद्रा मुद्रा की स्थैतिक कार्य है, उसमें उसका पहला जो बिंदु है वो है विनिमय का माध्यम, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, विनिमय का माध्यम। तो मुद्रा का एक प्रमुख कार्य है विनिमय का माध्यम। मुद्रा का उद्भव इसी कार्य के आधार पर हुआ है। वस्तु विनिमय की कठिनाइयों को दूर करने हेतु सौदे के लेन देन में सर्वमान्य माध्यम के रूप में मुद्रा का प्रयोग किया जाता है। यह सर्वमान्य माध्यम के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? मुद्रा का। वस्तुओं को प्रत्यक्षतः आपस में न बदलकर मुद्रा के माध्यम से खरीदा एवं बेचा जाता है। इससे विनिमय व्यवस्था अधिक सरल एवं सुविधाजनक होती है। पहले क्या वस्तु विनिमय प्रणाली पाई जाती थी परंपरागत समय में, तो उसमें क्या एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु को चेंज करना, तो उससे बहुत सारी समस्याएं आती थी। सही से किसी वस्तु का मूल्यांकन नहीं किया जा सकता था। और दूसरा है मूल्य मापक, मेजरमेंट ऑफ वैल्यू। इसके अंतर्गत मुद्रा एक ऐसी वस्तु है जिससे यह निर्धारित किया जाता है कि दूसरी वस्तु का मूल्य कितना है। इससे क्या वस्तु के मूल्य का आकलन किया जाता है, अर्थात मुद्रा रूपी वस्तु के माध्यम से अन्य वस्तु एवं सेवाओं का मूल्यांकन किया जाता है। इस प्रकार मुद्रा वस्तु एवं सेवा का मूल्य मापन के सर्वमान्य मापदंड का कार्य करती है। किसी भी वस्तु के मूल्य मापन का सर्वमान्य जो कार्य करती है वो क्या करती है? मुद्रा। मुद्रा के माध्यम से मूल्य मापन अत्यधिक सरल हो जाता है और चीज़ों को पारस्परिक मूल्य निर्धारण में आसानी होती है। तीसरा है मूल्य संचय का साधन, स्टोर फॉर वैल्यू। मुद्रा के आविष्कार के बाद समाज को वस्तु के मूल्य संचय की सुविधा भी प्राप्त हुई है। वस्तु विनिमय प्रणाली में वस्तुओं का ही संग्रह किया जा सकता था, जिसके नष्ट होने तथा उसके मूल्य में कमी आने की अधिक संभावना रहती थी। पहले क्या मूल्य संचय का साधन, अपन किसी वस्तु को बेचकर उससे मुद्रा प्राप्त करके उसका बचत को हम संचय कर सकते हैं। लेकिन परंपरागत समय में क्या वस्तु विनिमय प्रणाली होती थी, तो वस्तुओं को अगर हम रखते थे, जैसे किसी वस्तु हमने किसी वस्तु को बेचा किसी दूसरी वस्तु के बदले, तो उस वस्तु को रखने में बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता था। तो यह भी मुद्रा का एक महत्वपूर्ण कार्य है। चौथा, स्थगित भुगतानों का आधार। मुद्रा के माध्यम से सौदों का तत्काल भुगतान न करके उसको भविष्य के लिए स्थगित किया जा सकता है। स्थगित भुगतानों का आधार मतलब कोई वस्तु अपन ने खरीदी, अब उसका पैसा हमें बाद में चुकाते हैं, तो हम उसके ब्याज का आकलन करके भविष्य में उस वस्तु की क्या कीमत है, उस कीमत के आधार पर हम उसका भुगतान कर सकते हैं। लेकिन वस्तु विनिमय प्रणाली में इस समस्या का बड़ा ये बड़ी समस्या थी जिसका। उसके बाद पांच है मूल्य स्थानांतरण। मुद्रा के माध्यम से किसी वस्तु या संपत्ति के मूल्य की गणना करके उसे आसानी से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को स्थानांतरित किया जा सकता था। यह भी एक मुद्रा का मूल कार्य था। तीसरा, मूल्य यंत्र। मूल्य यंत्र में क्या है, एक अर्थव्यवस्था के अंतर्गत या अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करने के लिए अर्थव्यवस्था में
उत्पादन, विनिमय और वितरण की जो संपूर्ण गतिविधियां है उनको प्रभावित भी क्या करती है, मुद्रा। तो यह भी है। और इसी के लिए मूल्य यंत्र में ही प्रोफेसर मार्शल के अनुसार एक कोटेशन कहा गया है, मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर अर्थतंत्र चक्कर लगाता है। तो ये हुए मुद्रा के स्थैतिक कार्य, जिनको परंपरागत कार्य भी कहा जा सकता है। अब है मुद्रा के प्रावेगिक कार्य, जिसमें है सबसे पहले राष्ट्रीय आय का वितरण। वर्ष भर में उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं का बाजार मूल्य सकल राष्ट्रीय उत्पाद अर्थात राष्ट्रीय आय कहलाता है। वर्ष भर जो किसी वस्तु एवं सेवाओं का जो बाजार मूल्य होता है, वर्ष भर का या उत्पादित वस्तु और सेवाओं का जो बाजार मूल्य होता है वही क्या कहलाती है, राष्ट्रीय आय। उत्पाद और हम इस राष्ट्रीय आय का विभिन्न पक्षों को वितरण मुद्रा के माध्यम से ही संभव है। उत्पादन मूल्य ह्रास व्यय योग्य आय इत्यादि राष्ट्रीय आय से संबंधित सभी तत्वों का विश्लेषण आय का वितरण मुद्रा के माध्यम से ही संभव है। दूसरा इसका मुद्रा का कार्य है शाखा आधार। वर्तमान आर्थिक तंत्र को उधार तंत्र की संज्ञा दी जा सकती है। वर्तमान संपूर्ण साख व्यवस्था का आधार मुद्रा ही है। इसी साख व्यवस्था के कारण हमारे बाजार तंत्र गतिशील है। बैंकों के माध्यम से साख निर्माण मुद्रा के माध्यम से ही संभव है। अगर बैंकों में जो साख निर्माण का कार्य होता है वो मुद्रा से ही संभव है। ठीक है, आगे देखो, पूंजी की उत्पादकता में वृद्धि। मुद्रा का अगला कार्य है पूंजी की उत्पादकता में वृद्धि। मुद्रा संपत्ति का सर्वाधिक तरल रूप है। बिल्कुल, यही कारण है कि उपलब्ध पूंजी की उत्पादकता में मुद्रा के माध्यम से पूंजी में वृद्धि की जा सकती है। बिना प्रयोग के बेकार पड़ी संपत्ति को बेचकर मुद्रा में परिवर्तित करके उसकी उत्पादकता को बढ़ाया जा सकता है। चौथा है आर्थिक विकास में गति, पीस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। और आर्थिक विकास में भी मुद्रा का बड़ा योगदान है। मुद्रा के माध्यम से पूंजी की गतिशीलता को बढ़ाकर उत्पादन के निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकता है। मुद्रा व्यवस्था में सुनियोजन से विकास दर को बढ़ाया जा सकता है। फलस्वरूप मुद्रा एक ऐसा तत्व है जिसकी सक्रियता से आर्थिक विकास को गति प्रदान की जा सकती है। बिल्कुल, मूल्य स्तर पर नियंत्रण, कंट्रोल ओवर प्राइस लेवल। नियंत्रित मूल्य स्तर विकास के लिए एक आवश्यक शर्त है। विकास की प्रक्रिया में मूल्य स्तर में परिवर्तन आवश्यक है। बढ़ते मूल्य स्तर अर्थव्यवस्था के लिए हानिकारक होते हैं और मूल्य स्तर को नियंत्रित करने के लिए केंद्रीय बैंक मुद्रा की मात्रा में परिवर्तित करता है। छठा है वित्तीय निर्णयों में सहायक। मुद्रा किसमें सहायक होती है, वित्तीय निर्णयों में। आधुनिक अर्थव्यवस्था में वित्त की प्रधानता रहती है। सभी निर्णय मुद्रा के माध्यम से ही प्रभावी होते हैं और आधारभूत अर्थव्यवस्था के प्रत्येक निर्णय में मुद्रा की आवश्यकता और इसकी उपलब्धि निर्णय के आधारभूत घटक होते हैं। इस दृष्टि से यह कहा जा सकता है कि मुद्रा वित्तीय निर्णयों में सहायक होती है। आगे रोजगार सृजन में सहायक। मुद्रा का अगला कार्य क्या है, रोजगार सृजन में सहायक। बाजार व्यवस्था का आधार मुद्रा होने के कारण उत्पादन संबंधी समस्त क्रियाएं मुद्रा पर निर्धारित होती है। उत्पादन वृद्धि से रोजगार का प्रत्यक्ष संबंध होता है। मुद्रा की मात्रा में वृद्धि कर नए विनियोग को बढ़ाकर नए रोजगार सृजित किए जा सकते हैं। इस प्रकार मुद्रा रोजगार सृजन में भी सहायक होती है। आठवां कार्य है इसका हीनार्थ प्रबंधन। तो अर्थव्यवस्था के संचालन हेतु विकासात्मक, एक सरकार के द्वारा अर्थव्यवस्था के संचालन हेतु विकासात्मक कार्यों को प्राथमिकता प्रदान की जाती है और इसके लिए आय से अधिक व्यय का बजट बनाया जाता है और उसी इससे को जो इसके बीच जो घाटा होता है उसको ही हीनार्थ प्रबंधन या हीनार्थ व्यवस्था कहते हैं। इस प्रकार मुद्रा के माध्यम से हीनार्थ प्रबंधन तकनीक का प्रयोग कर विकास के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। तो हमने जो मुद्रा के कार्य पढ़े, दोनों ही जो इसके प्रकार थे, मुद्रा के स्थैतिक कार्य और मुद्रा के प्रावेगिक कार्य, दोनों क्या एक अर्थव्यवस्था में समान रूप से या महत्वपूर्ण रूप से कार्य करते हैं। स्थैतिक कार्य अर्थव्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करते हैं तथा प्रावेगिक कार्य उचित उपयोग से प्रावेगिक कार्यों का उचित उपयोग से एक आर्थिक, सामाजिक और उन्नति संभव होती है। इसलिए कहा जा सकता है कि दोनों ही कार्य मुद्रा के जो दोनों ही कार्य है वो एक विकसित अर्थव्यवस्था के लिए बहुत अत्यधिक लाभदायक होते हैं। देखो आगे देखो, स्थैतिक कार्यों के माध्यम से अर्थव्यवस्था में स्थिरता लाने का प्रयास किया जाता है।
जबकि प्रायोगिक कार्य अर्थव्यवस्था के विकास मान लक्ष्यों को पूरा करने में सहायक होते हैं। तो आज हमने जो बीकॉम सेकंड ईयर का पेपर सेकंड सॉरी पेपर सेकंड और पेपर सेकंड में हमने मुद्रा का अर्थ, मुद्रा की परिभाषा और मुद्रा के कार्यों के बारे में चर्चा की। तो इस तरीके से पिछले वीडियो में और इस वीडियो में मिलाकर पूरा ये चैप्टर कंप्लीट। धन्यवाद आप सभी विद्यार्थियों को।